हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दिस एपिसोड वेयर वन इज 12 के की हाल से सबके सो गए स्वागत है सबका एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं सबको कह दूं हैप्पी ईद ईद मुबारक हो सभी को, आप सभी को ईद मुबारक, आपके फैमिली फ्रेंड्स सबको। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल इवेंट के बारे में जो कि कल ही आ गया था, कल नहीं आई थिंक हाँ कल ही शायद आ गया था। कल मैंने वैसे वीडियो अपलोड किया था तो उस पर मैंने स्पेशल इवेंट को कवर नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती। तो आज हम लोग स्पेशल इवेंट को देखने वाले हैं, और भी ज़्यादा इवेंट आए हुए हैं तो सारे इवेंट पे मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो सब वीडियो आप लोग देखना। तो इस इवेंट में स्पेशल इवेंट के बारे में बात करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते गए फटाफट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट पर। सो गाइस, सबसे पहले आपको आना है गेम के होम स्क्रीन पे, फिर जाना है डेली इवेंट पे, फिर जाना है यहाँ पे आपको स्पेशल इवेंट पे जाना है। डेली इवेंट पे नहीं जाना, आज आपको स्पेशल इवेंट पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेज वाइज है, जैसे जैसे कंडीशन कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपका लेवल जो है खुलता जाएगा। यहाँ पे रिवॉर्ड आप देख सकते हो स्टेज कंडीशन वाइज रिवॉर्ड है, जैसे जैसे कंडीशन खत्म होगा वैसे वैसे रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा। तो ये अभी हम लोग स्टेज वन देख रहे हैं जिसमें उसको एक कंडीशन अभी कंप्लीट करना बाकी है, 1:26 में रेस को कंप्लीट करना। और ये क्लब रिवॉर्ड है जो मुझको मिल चुका था, ये कार है, इस कार से हम लोग खेलेंगे। और इसका ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा कूल बना करके दिया गया, तो इसको गेम प्ले करते गाइस और गेम प्ले करके देखते हैं कि क्या एक बार में ही ये पूरा फिनिश होगा या नहीं। वैसे आप लोग ने तो ये कंप्लीट कर लिया होगा, अगर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद हो जाएगा गाइस, रिलैक्स टेंशन नहीं लो इतना। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो किसको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और भाई साहब स्टार्टिंग में ही कार क्रैश हो गई है। तो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग फिर से कमबैक करने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लो अभी मैं टॉप 6 पे चल रहा हूँ, और ऐसा कहूँ कि मैं सबसे लास्ट में चल रहा हूँ क्योंकि 6 प्लेयर हैं और मैं लास्ट 6 पोजीशन पे हूँ। तो फटाफट इसको कम्प्लीट करते हैं और देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इसको हम लोग फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं टॉप 6 पे था तो एक को मैंने ओवरटेक मार लिया, दो को ओवरटेक कर लिया, और ये यहाँ पे तीसरे को भी ओवरटेक, ये तीसरा भी ओवरटेक हो गया, और ये दूसरा भी ओवरटेक। आई मैं टॉप 2 पे आ गया हूँ, और ये जो टॉप 1 पे चल रहा है इसको भी फटाफट ओवरटेक करते हैं और ओवरटेक करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फटाफट ये भी गाइस ओवरटेक हो गया, तो मुझको लगता है कि सबसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पे रेस जीतना नहीं, जो टाइमिंग दिया हुआ है उस टाइमिंग को ही मेंटेन रखना है, और एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है मुझको याद नहीं, मैंने सही से देखा नहीं है, बट जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझको बार बार जो सेम रेस बार बार खेलना नहीं पड़े। तो इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं गाइस, और कंप्लीट करके देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन कंप्लीट हुए और रिवॉर्ड में हम लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो फिर भी मैं टॉप 3 पे आ गया, पता नहीं कैसे, और टॉप 3 पे मैंने ये रेस कंप्लीट की है 1:24 में। तो क्या ये कंडीशन कंप्लीट हुआ? आई नेक्स्ट हो जा। ओके, ये कंडीशन कंप्लीट हुआ, ये कंडीशन जो 1:26 कंप्लीट करना था मैंने 1:24 कंप्लीट हुआ, तो उसको कुछ टोकन्स मिल चुके हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये सेकंड वाले में आप देख सकते हो जो कार गाइस, वो कार मेरे पास अनलॉक ही नहीं है, उसका ब्लू प्रिंट लेने के लिए कह रहा है। और ये सब चीज़ें मुझको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है कि भाई जब कार है यही नहीं है तो प्लेयर खेलेगा कहाँ से गाइस। अरे आप देख सकते हो, और ये स्टेज 2 ही में ये चीज़ आ जाती है, स्टेज 2 में भाई अगर कम से कम स्टेज 5 में या स्टेज 6 में रहता तो 4 या 5 स्टेज तक जो है नॉर्मल प्लेयर लोग खेल सकता था। अब कार ही नहीं, स्टेज 2 ही में आप ऐसा कंडीशन लगा देते हो कि कार ही नहीं है तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जब तक स्टेज 2 का कंडीशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए 25 कंडीशन कंप्लीट रहने चाहिए, मेरे पास 21 कंडीशन कंप्लीट है। और ये इवेंट जो है 11 डे चलने वाला, तो ये इवेंट तो भाई पूरा एकदम वेस्ट ही हो जाएगा। ऐसा इवेंट प्लीज़ मत लाया करो यार, प्लीज़ S19 वालों मत लाया करो, इससे अच्छा हम नहीं लाओ इवेंट यार। अगर लाओ तो ऐसा लाओ कम से कम तो 5 स्टेज तक हर कोई खेल सके, जो जिसके पास कार है वो भी, जिसके पास कार नहीं है वो भी, जो लेजेंड पास लिया है वो भी, जो नहीं लिया है वो भी। स्टेज 6 स्टेज 7 के बाद अगर आप ऐसा कंडीशन लगाते हो तब सही है, बट आप स्टेज 2 ही पे अगर उठा के मुंह पे मार दे रहे हो आप हो तो भाई वो बहुत गलत हो जाता है। अभी मैंने स्टेज 1 कंप्लीट किया, स्टेज 2 में खेल नहीं पा रहा हूँ, 11 डे तक ये पूरा इवेंट चलेगा तो ये इवेंट पहले तो वेस्ट हो गया गाइस। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग भी ऐसे ही होंगे जिनके पास वो कार अभी अनलॉक है नहीं, तो वो लोग करेंगे क्या, उन वो सब के लिए जो है इवेंट अभी वेस्ट है। तो अभी और भी इवेंट है जिसके बारे में मैं वीडियो में बना रहा हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू
वॉच करते रहो रोमान स्टील की गेमिंग को। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के चैनल के लोग पे क्लिक करो, दूसरे वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करो, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए गाइस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग रोमान स्टील की गेमिंग। और गाइस और भी वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे इवेंट हैं, तो सब पे मैं स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप आप लोग सभी वीडियो को देखोगे और सभी वीडियो देख लेना काफ़ी अच्छी। अभी तक देखे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।